सभी साथियों को जय जय एमबीडी और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद समय पर जूम मीटिंग में आने के लिए और प्रतिदिन कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करने के लिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नाम अमित राजपूत, यूपी कन्नौज से। और साथियों, इस जे एमबीडी सिस्टम में मुझे 6 साल का समय हो गया है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सिस्टम है और बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ प्रोडक्ट क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा पे आउट है और बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट भी है हर सीनियर लीडर का। और 6 साल में मैंने देखा जो भी हमारे कंपनी के सीनियर लीडर हैं लगातार दिन रात साथ लगकर ग्राउंड वर्क कर रहे हैं जिससे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ तो बहुत ही जबरदस्त काम चल रहा है और पूरे भारत में बहुत ही बेहतरीन काम चल रहा है। इस समय जो जेएमबीडी में महिलाएं सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिसमें रानी मैडम जी हैं बहुत ही अच्छा संभाल रही हैं सुल्तानपुर, सुमन मैडम जी हैं निर्मल कौर पंजाब से हैं, शुक्रानी मैडम जी हैं, स्नेहा जी हैं, अलका जी हैं, केला जी हैं, लक्ष्मी मैडम हैं, दीपा मैडम हैं, सरोज जी हैं, आरती मैडम हैं, शिवा हैं, शांति मैडम हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रतिदिन 5-5 10-10 फोटो आ रही है और हर किसी का बहुत अच्छा अचीवमेंट भी होगा। जो भी एनिवर्सरी की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं और हर व्यक्ति मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द क्वालिटी अचीवर बन के ही आएगा। और इतनी जबरदस्त तैयारी चल रही हर जगह से, हो सकता है कि एक साथ मंच पर क्वालिटी अचीवर खड़े ना हो पाए क्योंकि हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, बहुत अच्छी सेल कर रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत भी हो रही है सभी लोग। और जैसी बैक टू बैक हमारी जो मीटिंग चल रही है, जो भी साथी कर रहे हैं, जिसमें महेश अस्थाना जी हैं, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग रही। और बहुत लोगों ने कहा भी है कि सर यूट्यूब पर उनका जो भी प्रशिक्षण था उसको भेजिएगा, बहुत अच्छा लगा सुनने में। और बाकी रुद्र सिंह मिश्रा जी बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रखते हैं जूम पर, बहुत लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। और अवतार सर का कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप है। तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि पूरा भारत आपसे सीख रहा है, प्रेरणा ले रहा है। और इसी प्रकार बहुत साथी हमारे जैसे गुजरात से सुरेश सर हैं और जो भी लगातार लगातार जूम पे अपना योगदान दे रहे हैं, जैसे जयराम सर हैं प्रयागराज से, सीके सर हैं और कृष्णा जी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी तैयारी भी कृष्णा जी कर रहे हैं, देखने को बराबर मिल रही है। तो इसी प्रकार पूरा भारत लगा हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्य से और सभी लोग बहुत अचीवमेंट लाएंगे ये भी हमें भरोसा है क्योंकि जिस प्रकार मेहनत दिख रही है हर किसी की, निश्चित ही हम मैं सभी बहुत जल्द कामयाब होंगे। तो साथियों, बहुत ही जबरदस्त इस समय काम चल रहा है और आज कई साथियों को मौका भी देना है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात को रखता हूं, जो आज मेन पार्ट रखा है सर लकी के बारे में, जो ज्वाइंट पेन इस समय ज्यादा चल रहा है। एक आयु के बाद शरीर में जोड़ों में लिगामेंट एवं कैल्शियम बनना कम हो जाता है जिसके कारण जोड़ों का दर्द, गैप, कैल्शियम की कमी वगैरह प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं, जिसके चलते आधुनिक चिकित्सा आपको ज्वाइंट रिप्लेस करने की सलाह देते हैं। जबकि इस समय देखा जा रहा है कि ज्वाइंट रिप्लेस करने के बाद में भी 1 साल, 2 साल, 6 माह में फिर से
ज्वाइंट पेन की दिक्कत बन जाती है। लेकिन जेएमबीटी के उत्पादों में अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि मैंने अभी जो एमपी में काम स्टार्ट किया है और वहां पर जो ज्वाइंट पेन के लोग आते हैं उनको जेएमबीटी अधिकतर वहां गोल्ड वाले जो हमारे प्रोडक्ट हैं, गोल्ड सनलक्की है, उसका बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत जल्द ही लोग रिकवर भी हो रहे हैं। जब मैंने एमपी स्टार्ट किया था आज के लगभग 40-45 दिन पहले, जब मैं फर्स्ट दिन गया था तो वहां से 800-9 हजार 8 से 9 हजार रुपए की सेल थी, क्योंकि हमें वहां पे 2 से 4 लोग ही जानते थे। 2 से 3 चक्कर में बहुत ही अच्छा वहां से रिस्पॉन्स आया। 1 हफ्ते बाद मैं जब गया वहां पर 17 से 18 हजार रुपए की सेल थी, लेकिन जब मैं चौथी बार गया तो उसी जगह पे 30 से 35 हजार रुपए की सेल थी। लेकिन अभी मैं जब 2 बार टूर करके आया हूँ तो दोनों बार 50 से 60 हजार रुपए की सेल थी। हर बार प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है, और जो भी वहां पे स्टोर डिपो करवाए हैं उनकी भी सेल प्रतिदिन जा रही है, और बहुत ही अच्छा इसका फीडबैक आ रहा है। जो हमारी प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, जो लोग प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो साथियों, जो हमारी सलकी है, जैसे किसी गठिया की शिकायत है, जोड़ों का दर्द, हड्डी में गैप आना, कमर में बार बार दर्द होना, और ये लकवा में भी अत्यंत लाभकारी है। किसी के लकवा यानी पैरालिसिस हो जाता है, उसमें भी सलकी हमारी बहुत ही लाभदायक है। कोलाइटिस में बहुत ही फायदेमंद है। कोलाइटिस वो समस्या है जिसके लक्षण हम बता दें, जब किसी को बार बार खाना खाने के बाद लेटिंग आ रही है तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो कोलाइटिस की दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आंत होती है उसमें दाने हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं और आंत में सूजन आ जाती है। तो जो सलकी है, इसको सलकी जो है, सलकी जूस, इसका यूज करने से कोलाइटिस भी ठीक हो जाती है, और यूरिक एसिड में भी बहुत लाभकारी है। यूरिक एसिड जब बॉडी में बढ़ने लगता है, इसी से हमारी हड्डियां ड्राई पड़ती हैं, सूख जाती हैं, जिससे जोड़ों का दर्द और कट कट की आवाज आना ये स्टार्ट हो जाती है, और जोड़ों के असहनीय दर्द और सूजन में बहुत अच्छा राहत देती है हमारी। अगर किसी के भी अर्थराइटिस है तो उसको सबसे पहले सलकी देना है, सुबह शाम खाली पेट 20-20 ml। अगर सलकी गोल्ड दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारी नॉर्मल सलकी भी बहुत जबरदस्त है। सुबह शाम 20-20 ml देने, गुनगुने पानी के साथ, सुबह खाली पेट, शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले। इसी में जो ज्वाइंट पेन होता है, एक तो हड्डी में किसी किसी के दर्द होता है और किसी किसी के नसों में भी दिक्कत आ जाती है, तो विशेष ध्यान रखें। अगर किसी के हड्डी में दिक्कत है तो उसको सलकी दे सकते हैं, और ज्वाइंट केयर खाना खाने के आधे घंटे बाद देना है। अगर ज्वाइंट केयर भी साथ में लगा रहे हैं तो उसके हड्डी में बहुत जल्द ही मजबूती आती है, तो ज्वाइंट केयर भी लगा दें खाना खाने के आधे घंटे बाद सुबह शाम, और ज्वाइंट केयर देने से दर्द जल्दी कवर हो जाता है। अगर उसी व्यक्ति के नसों में समस्या है तो ओमेगा 369 जो कैप्सूल है उसको खाना खाने के बीच में लगा दें। सलक्की दे दी, ज्वाइंट केयर दे दिया, अगर नसों की समस्या है तो उसको ओमेगा 369 लगा दें, और इसके बाद में एक दर्दनाशक ऑयल भी दे दें। दर्दनाशक ऑयल 2 से 4 मिनट हल्के हाथों से मसाज करना है, ना रगड़ना है, ना सिकाई करनी है, ना मालिश करनी है, लगा के 2 मिनट 4 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करना है और छोड़ देना है। सुबह शाम 2 टाइम करना है। इसके साथ साथ विशेष तौर पर परहेज बता दें, परहेज बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति परहेज नहीं कर रहा है और आयुर्वेद फूड सप्लीमेंट यूज कर रहा है
वो 100% रिस्पॉन्ड नहीं ले पाएगा। अगर उसको 100% रिस्पॉन्ड फूड सप्लीमेंट से लेना है तो 100% उसको परहेज भी करना है। परहेज में क्या है, सबसे पहले खट्टी चीज अर्थराइटिस के व्यक्ति को बंद करवानी है। किसी के अगर गठिया की शिकायत है उसको खट्टी चीज ना दें, खट्टे में उसका टमाटर भी बंद करवा दें। अगर टमाटर खा रहा है, नींबू खा रहा है तो उसके सूजन बढ़ेगी। कोई भी खट्टी चीज ना खाए, जैसे दही मठा बेसन की सब्जी ये बिल्कुल ही ना ले, इससे दर्द बढ़ेगा और सूजन भी होगी। ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक ये भी नहीं लेना है, और चावल का सेवन ना करें। अगर इतना परहेज कर लिया तो उसको 2 से 3 हफ्ते में ही लाभ मिल जाएगा। तो ये थी गठिया की समस्या के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था, बहुत से फोन आए थे कि सर गठिया की जानकारी के लिए समझना है, इसीलिए मैंने आज मीटिंग में इसको रखा। तो आगे आज कुछ लोगों को मौका भी देना है, तो सबसे पहले मैं मौका देने जा रहा हूं जय सिंह जी हैं, डॉक्टर जय सिंह, जो कि अरबे कटरा इटावा में एक एरिया पड़ता है, वहां पर अपना एक हॉस्पिटल चलाते हैं, और ये हस्बैंड वाइफ दोनों लोग डॉक्टर हैं। और जेएमबीडी प्रोडक्ट से अभी जो इन्होंने फायदा लिया है, क्योंकि ये बराबर अपना एलोपैथ चलाते हैं, लेकिन अभी 4 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की ही बात है, इनके पास एक ऐसा पेशेंट आया जो ये एलोपैथ चलाकर भी कवर ना कर पाए, लेकिन हमारे जेएमबीडी प्रोडक्ट ने 2 दिन में ही कमाल कर दिया। तो जयसिंह जी अपने आप से बताएंगे कि जेएमबीडी प्रोडक्ट क्या क्या आपने यूज करवाया और आपको क्या बेनिफिट मिला। तो सर मैं आपका यहाँ से माइक अनम्यूट कर रहे हैं, आप वहां से अनम्यूट करिएगा और अपनी बातों को रखिएगा, अपना परिचय दीजिएगा और जो भी फायदे मिले उसके बारे में बताइएगा सर। जी बोलिए सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को, जेएमबीडी सर। मैंने डॉक्टर साहब की राय से मैंने एक पेशेंट को बहुत ही, यानी कि एलोपैथिक में चलाते थे, तो मैंने उससे रिलीव ना होने के कारण तो मैंने डॉक्टर साहब से सलाह लिया, तो बोले ब्लीडिंग बहुत आ रही थी काफ़ी दिन से, लमसम 1-1.5 महीने से पेशेंट परेशान था। उसकी डॉक्टर ने कहा इसकी यूटेरस निकालना पड़ेगा, इतना इन्फेक्शन हो गया है, ब्लीडिंग सूजन है, अल्ट्रासाउंड भी कराया तो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हमारे पास आया तो सर से मैंने सलाह ली, तो सर ने बताया वोमेन शक्ति ओमेगा 369 पंच तुलसी रेड एलोवेरा इनको यूज कराइए। तो जैसा परहेज और प्रोडक्ट बताया उसी तरह से मैंने यूज करवाए, 2 दिन के अंदर उसकी ब्लीडिंग भी बंद हो गई, दर्द हो रहा था वो भी दर्द बंद हो गया। तो पेशेंट बड़ा रिस्पॉन्स मिला तो हमने कि बहुत अच्छा है, कामयाब हुए, जबकि उसको पेन के लिए पेन किलर दे रहे थे, ब्लीडिंग रोकने के लिए तो बोतलों पास इंजेक्शन लगा रहे थे, उससे ना राहत मिली, लेकिन अपने जेएमबीडी प्रोडक्ट्स से इतना उसे रिलीफ मिल गया। और उसके 6 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये भी सलाह बताई डॉक्टर साहब ने, इनको यूज करवाते रहिए, आगे बच्चा भी आ जाएगा। तो सर वुमेन शक्ति आपने सादा यूज करवाई या गोल्ड यूज करवाई? वुमेन शक्ति गोल्ड है सर। हाँ बस यही जानना चाह रहे थे कि हमारे जो गोल्ड प्रोडक्ट है ना, बहुत ही यूनिक है,
क्योंकि दद्दा जी ने इसकी जी गुणवत्ता बहुत हाई एक नेशनल लेवल की मेंटेन कर रखी है, बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है। और सर आपको जेएमबीडी में आके कैसा लग रहा है? आप एलोपैथ का कर सर, रहे हैं लगातार 5-10 साल से, आज आयुर्वेद में आके आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअल में है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में उसमें तुरंत रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन कोई अस्थायी इलाज नहीं है। और आयुर्वेदिक में सभी जानते हैं कि इससे जड़कार तो हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा सर। बिल्कुल, लेकिन सर जैसा आपने आज रिस्पॉन्स देखा है, कभी आयुर्वेद में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखा है या इतना कभी भरोसा था कि इतनी जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा? नहीं, इसलिए सर मैंने एलोपैथिक की भी दवा दी है हमने, कि दर्द हो तो पेन किलर खा लेना आप, अगर ब्लीडिंग हो तो इथमथालेट टेबलेट ले लेना, वो भी मैंने साथ में दी थी हमने, कि इससे आराम नहीं मिलता तो ये यूज करना, तो उससे भी लेकिन आराम हो उसकी गया जरूरत सर। नहीं पड़ी है। हाँ, जरूरत नहीं पड़ी सर, तो हमने कि जी बहुत जी अच्छा है। बिल्कुल सर, आइए, मोस्ट वेलकम जेएमबीडी में, और मिलके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जाए। दिल लगा के काम करिए, और हमारा आपका सपोर्ट रहेगा, और बराबर रमेश सर का रहता ही है। मिलके एक बड़ा काम किया जाए सर, आयुर्वेद में लोगों को बचाया जाए, क्योंकि एलोपैथ देने के बाद इतने साइड इफेक्ट होते हैं, तो लोगों की सोच को बदला जाए। जी सर, उसका मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है, तो उसका लीवर भी बढ़ा हुआ चल रहा है। एक्चुअल में उसे हर चीज में आराम है इस समय, वो खुश थी महिला, बोले हमें जी भैया बहुत आराम है, हम ठीक हूँ इस समय, तो हम चलो ठीक ही हो जाओगी, धीमे धीमे यूज करते रहिए और परहेज करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो सर समय देने के लिए जेएमबीडी में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे आप निरंतर आइए, कुछ ना कुछ नया बताइए, हम लोगों को सिखाइए, जी और सर, मिलके एक काम करें, बढ़ाएं इसको आगे, और जन जन तक इसकी सुविधा भी पहुंचाएं, लोगों को स्वस्थ भी करें, आर्थिक रूप से मजबूत भी करें। जी सर, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द आपको फिर से मौका देंगे। जी, तो इसी क्रम में जबरदस्त लीडरशिप जो यहाँ पर निभा रहे हैं इटावा डिस्ट्रिक्ट में, स्टोर ओनर भी हैं देसराज जी साग, उनको मौका देने जा रहा हूँ, और बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव भी रखते हैं, और अपना अनुभव हम लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो आप लोगों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ देसराज जी, जो अपनी बातों को रखेंगे। यहाँ से सर मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है जी, तो बोलिएगा जी, बोलिए जय जय एमबीडी सर। जय जय एमबीडी। तो आज बड़ा ही हमारा सौभाग्य है कि आज हमको जो है बोलने का अवसर मिला है। तो मैं सबसे पहले इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय जी और इस मंच का संचालन कर रहे हमारे संचालक महोदय जी और जितने लोग हमारी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और जितने लोग हमारे इस जेबीडी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उन सभी को मैं बार बार जो है नंदन बंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक होगा कि हम कोई भी आयोजन जब करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। तो हमारी जेएमबीडी की आज जो जूम मीटिंग चल रही है, जगह जगह हमारे जो है बिजनेस गुरु लगे हुए हैं लोगों को स्वस्थ और सशक्त बनाने में। तो जो है आज हमारी ये जेएमबीडी मीटिंग के दो उद्देश्य हैं कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो आज जो है इस नेटवर्क के ऊपर मैं आज ही एक ताजी खबर मैंने देखी थी कि अभी तक तो जो है हमारी सरकार लोहा मान रही थी नेटवर्क के लिए,
आज जो जो संत लोग जो खाते हैं भक्त हैं उनका चैनल पे चल, उनने भी आज कह दिया कि भारत में कहीं भी कोई विद्यालय नहीं है माल जाने का, जितनी भी पढ़ाई है महंगी से महंगी पढ़ाई है वो नौकर बनाने के लिए पढ़ाई है। उन्होंने चैलेंज कर दिया कि भारत में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहां पर जो है मालिक बनाने का काम किया जा रहा हो, सब नौकर बनाने के काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी JMBD ने, MLM सिस्टम ने, नेटवर्क सिस्टम ने यहाँ जो है हम लोगों को मालिक बनाने का काम किया है। तो जो लोग हम ज्वाइनिंग लेते हैं तो हम इसमें कोई नौकरी नहीं करते हैं, हम यहाँ पे 45-50% के मालिक बनते हैं कंपनी के साथ। तो जो है आज हम कहते हैं कि JMBD कोई बात नहीं घबराने की, वो थोड़े दिन के बाद देखियो बदले हवा जमाने की। तो दोस्तों वो समय आ गया है, सरकार भी कह रही है और आज इधर जो है सरकार में घमासान मचा हुआ है धर्म के ऊपर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भागवताचार्य लोग भी कहने लगे कि जो है नेटवर्क के अलावा आज इस दुनिया में, आज हिंदुस्तान में रोजगार देने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आज जो लोग इस मीटिंग में ज्वाइन हैं और जो लोग जो है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी जो है JMBD ज्वाइन नहीं किया है, तो नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो अपने लोगों को बता दें इससे बड़ा और इससे सुंदर कोई अवसर नहीं होगा रोजगार दिलाने वाला। क्योंकि तो आज आप देख रहे हैं बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, सरकार भी परेशान है, अगर नौकरी दे तो दे। नेट सिस्टम ये ऐसा है कि हम लोगों को स्वस्थ भी बनाएगा और समृद्ध भी बनाएगा। और ये हम लोग जो है ना, हम लोगों का दिमाग जो है ना बहुत अपार शक्ति है इसके अंदर। एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी के बहुत ताकत थी तो उत्पात किया करते थे, तो किसी स्त्रण को श्राप दे दिया कि जाओ आज के बाद तुम्हारी शक्ति जो है रहेगी, तो ले कोई तुम्हें याद दिलाएगा तब तुम्हारी शक्ति काम आएगी। तो दोस्तों वही अश्राप आज हम लोगों के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन आज हमारी शक्ति को याद दिलाने के लिए उन लोगों के लिए मेरे पास स्वागत शब्द नहीं है, मैं कैसे उनका स्वागत कर सकूं। जैसे मान के चलिए हमारे माननीय श्री रमेश वास्तव जी और माननीय हमारे हमें डॉक्टर साहब जी, ओम सर जी, दद्दा जी, आज जो है हम लोगों को शक्ति का एहसास दिलाने आए हैं, आज हमारी शक्ति को जगाने आए हैं। क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत अपार ताकत है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। मैं मानता हूं आप जो है, हम लोग अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और हमारी बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल देंगे, निश्चित ही 100% है। और आज कुछ लोग जो है हमसे पूछते हैं कि भैया यार हमारा सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर साहब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या और हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गलती हमारे डॉक्टर साहब की नहीं है, गलती हमारे मिस्टर, गलती मेरी है, क्योंकि हमको मजबूर कर देना होगा, हमें इतना काम दिखाना होगा, डॉक्टर साहब की मजबूरी होगी, चाहे वो रात के 12 बजे हों, चाहे वो जो है दिन के 12 बजे उनको आना होगा, चाहे हमारे रमेश सर जी, चाहे वो सीतापुर में, चाहे वो लखनऊ में हो, और चाहे वो कहीं भी हो, अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत है और हम इतना काम निकालेंगे तो उनको आना पड़ेगा, उनको मजबूर करवाना होगा हम लोगों को। गलती हम लोग करते हैं लेकिन अपने ऊपर हम दोषारोपण थोपते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हम लोगों को, खासकर इटावा वालों की, क्योंकि और लोगों के संपर्क में तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं खास करके जो हमारे इटावा के लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि दोषारोपण ना करें। और जो है एक बाप के 4 बेटे हुए हैं, और जो बेटा जो है ज्यादा मेहनत करता है बाप की उसी पर निगाह होती है। तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो हमारे अपलान बिजनेस ग्रुप कहीं भी हो आपके इटावा में उनको आना होगा, आपको समय देना होगा। तो जो है और एक चीज जो है, ये लोग जिस चक्कर में रहते हैं, करें हमारी खरीदारी 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, अरे ये लक्ष्य मत रखो, आप छोटी छोटी खरीदारी करने वाले जो है 1,000 लोग पैदा कर दो। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कदमों से हम लोग 1,000 किलोमीटर दूरी का रास्ता तय करते थे पहले, लेकिन आज सुविधा हो गई, लेकिन फिर भी चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे रेल हो, छोटे छोटे चक्र बना करके 1,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।
कहीं भी सड़क आपने बड़े पत्थर से बनती हुई नहीं देखी होगी, छोटे छोटे पत्थरों से हजारों किलोमीटर दूर सड़क बनती है। तो हमें भी यहाँ पर जो है अपने जो है छोटे छोटे लक्ष्य जो निर्धारित करने होंगे, उन लक्ष्यों को पूरा करना होगा। सपना हमारे चाहे छोटा हो लेकिन उसे हमें पूरा करने में पूरे अपने समर्पित हो जाना चाहिए। हम लोग जो क्या करते हैं, केवल ज्वाइन हो गए बस हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। कोई पौधा हम लगाते हैं तो पौधा लगाने के बाद क्या फल मिल जाएगा? हम पौधे को लेंगे, उसको समय समय पर खाद बीज पानी देंगे, समय जब पौधा फल देने लायक होगा तब हम फल प्राप्त कर पाएंगे। वही हमारे सिस्टम का नियम है। हम ज्वाइन होने के बाद में और भूल गए, घर में पर के हो गए, बस आने लगा, नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। क्यों कि जो है हम ज्वाइन होने के बाद में, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा कि इस जो है नेटवर्किंग ये कोर्स है और कोर्स में 6 विषय हैं। और एक विषय में अगर हम कमजोर हो गए तब भी हम पास नहीं हो पाएंगे। हाँ ये जरूर है, इस कंपनी का सिस्टम में बैक लग के तुम्हें अगले उसमें पास करा देगी, समय समय परीक्षा भी होती है इसमें। तो जो है ये जो नेटवर्किंग कोर्स है इसमें 6 विषय हैं, जो पहले मैंने बताया था कि सपना, नंबर एक सपना होता है। और आज लोग कहते हैं यार सपना पूरा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों सपना वो पूरा नहीं होता है जो हम लोग सोते में सपना देख लेते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक सपना था जो पूरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे बिजनेस गुरु और हमारे अपलान हमारे विशेषज्ञ लोग सपना दिखाते हैं और उसे पूरा करने पर पूरी ताकत लगा देते हैं, इसलिए सपना पूरा होगा। लेकिन हमें अपना लक्ष्य मजबूत रखना चाहिए, अपने हमें अपने उस रास्ते पे जो है पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज जो है महाभारत में युधिष्ठिर का नाम क्यों आता है? अर्जुन बहुत धनुधारी थे, भीष्म बहुत ताकतवर थे, उनका नाम क्यों नहीं आया? इन्होंने पीछे मुड़ के देखा था इसलिए इनका नाम नहीं आया। युधिष्ठिर का नाम क्यों आया? उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उनके भाई मर गए, मर जाने दो, पत्नी चली गई, चली जाने दो, मुझे कोई मतलब, मुझे अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ना है। तो आज युधिष्ठिर का नाम है धर्मराज युधिष्ठिर कहे जाते हैं और उनका इतना बड़ा नाम नहीं है। तो हम लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपने देखा होगा जब ड्राइवर जो गाड़ी जब चलाता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, लेकिन साइड में शीशा होता है ना, उस पर देख करके पीछे की निगाह देख, पीछे वो सब देखता है कि मतलब पीछे गाड़ी हमारे कितने पीछे आगे कितनी साइड में चल रही है। वो पीछे मुड़ते, अगर पीछे मुड़ के देखा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन वो साइड वाले शीशे सब कुछ करता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ये पीछे मेरे क्या हो रहा है, जो साइड में शीशे हैं उनसे देखना होगा हमें। सिस्टम हम लोगों के साथ इतना जबरदस्त है, प्रोडक्ट हमारे साथ इतने जबरदस्त है, केवल हमें अपने अटक होकर अपना काम करना है। तो सपना, और सपने के बाद दोस्तों जो है फिर एक होती है लिस्ट, अपने जानने वालों की लिस्ट में बनानी होगी। अब लोग कहते हैं मेरे, कुछ लोग मिलने वाले मेरे बोले मेरी लिस्ट में कोई है ही नहीं। अरे यार कहीं से जो है, पहली बात तो हम शादी जब करते हो घर में कम से कम जो 1000 कार्ड छपवाते हो वही आपकी लिस्ट बन गई। फिर आप जो कहीं बाजार से सौदा खरीदते हो आपकी लिस्ट बन गई। मतलब कहीं ना कहीं से आप जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, विद्यालय में जाते हो, वही आपकी लिस्ट के लोग हो जाएंगे। अब जब आपकी लिस्ट बने, लिस्ट जब बना लो तो उसी में से तीन प्रकार की लिस्ट होनी चाहिए, तीन प्रकार की लिस्ट। कि कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो खास लोग होते हैं, कुछ कम खास लोग होते हैं, कुछ वैसे जो है रास्ता चलते राम जवार वाले होते हैं। छोड़ो किसी को मत, सबको भी लिस्ट में शामिल करिए और शामिल कर उन्हीं पे काम करना शुरू कर दीजिए। इस सिस्टम में सबसे बड़ा हथियार है तो लिस्ट है, लिस्ट के बिना कुछ नहीं है। उसके बाद आता है प्लान, उसके बाद आता है प्लान। प्लान हम जो है संकल्प लेना चाहिए कि हमें दो प्लान दिखाने या चार प्लान दिखाने हैं। मान के चलिए आपने जो संकल्प लिया दो प्लान दिखाने का और आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, आपका संकल्प टूट रहा है, तो संकल्प को टूटने मत दीजिए। अपनी पत्नी को अपने बच्चों को प्लान दिखा दीजिए, वहां एक प्लान हो गया, दूसरा प्लान किसी पौधे के नीचे दिखा दीजिए। पौधे को इस प्रकार से जैसे आप गणित में देखते हैं, प्रश्न आता है का धन खा बराबर, उसका मान बताइए। अब कैसे मान बताओगे, वहां पे उत्तर माना जाता है फिर बाद में निकाला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से उस पौधे को आप व्यक्ति मान लीजिए और प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। जब आप प्लान दिखाएंगे तो उससे जो आपका संकल्प भी पूरा होगा और प्लान दिखाने का अभ्यास भी आपको होगा। ठीक, उसके बाद 100% यूजर, 100% यूजर हमें जो है, इसका मतलब जितनी हमारी कंपनी प्रोडक्ट है उनसे हमारा काम चलता है तो ठीक है, अगर अदर जरूरत पड़ती तब हम बाहर से लें और ना बाकी अपनी कंपनी से हम सामान खरीदेंगे तो हमें उससे पैसा भी आएगा और प्रोडक्ट के बारे में हमें जो है जानकारी भी होगी कि प्रोडक्ट कितनी जल्दी और कितना अच्छा काम करता है। ठीक,
और इसके बाद आता है कुछ किताबें होती पढ़ने के लिए और सेमिनार में जाने के लिए, मोटिवेशनल अपनी जो है बिजनेस गुरुओं के वीडियो देखने के लिए। ये सारे काम जब हम करेंगे तब इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे, तब हम जो है उम्मीद करें हमें रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी 20 वर्ष रॉयल्टी आने लगी नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए यार। ये बहुत सारी मेहनत करने के बाद, हर बड़ी सफलता बड़ा प्रयास चाहती है, बड़ा बड़ा बलिदान चाहती है। और आज आप देख रहे हैं नेटवर्क, जितने बड़े नाम हैं, जितने बड़े पैसे वाले, किसी का नाम आप नाम ले लीजिए, सब जो नेटवर्क से बड़े हैं। मैं सन 2003 में जब नेटवर्किंग कर रहा था, उस समय की किताब में लिखा हुआ था कि अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा करोड़पति हैं, उस समय था। तो उस समय जो 20% करोड़पति नेटवर्किंग द्वारा बने थे, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और आपके सामने दूसरा उदाहरण यह है, जियो की सिम के मालिक जो हैं, उन्होंने जो सिम चलाई थी, क्या आपके हाथ में सिम आई थी तो उसी दिन आ गई थी? उन्होंने कम से कम 5-6 साल लग के काम किया उस सिम पर, बहुत टावर लगवाए, बहुत ऑफिस बनाए, बहुत उनके यहाँ क्या नाम जो है इंजीनियर थे, बहुत सारे लोग थे, और उसके बाद भी उन्होंने 1 साल सिम फ्री चलवा दी। तो उसके बाद उन्होंने जो है रिचार्ज करना शुरू करवाया। तो आज जो है जो लोग नेट चलाते हैं, देख लें आज जियो के उपभोक्ता हैं 39 करोड़। आज जो है आप बच्चे के चॉकलेट की कमी पड़ जाए, बच्चे की फीस की कमी पड़ जाए, परिवार में खर्चों की कमी पड़ जाए, लेकिन जो 2 दिन पहले ही जो है उसका मैसेज आया था कि भाई आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, आप रिचार्ज कराइए। तो आप रिचार्ज कराएंगे, 250 रुपये का रिचार्ज कराएंगे, आप अंदाज लगा लीजिए उस व्यक्ति ने अपनी आने वाली औलाद के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी बड़ी पाइपलाइन बिछा के तैयार की है। कभी पैसा आना बंद नहीं होगा उसका। यदि हमें भी अपना जो है इतिहास में नाम लिखाना है, अपने संतान के आगे इतिहास में नाम लिखाना है, तो हमें भी वही करना होगा जो हमारे नेटवर्कर लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। और मेरी दोस्तों मेरी बात की जाए, मैंने सतीश भाई से कहा भी था, मैं इस लायक नहीं था और आज भी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के साथ में रह करके मैं सफल हो जाऊंगा, ये 100% में विश्वास है। क्योंकि किसी ने कहा है यदि आपको सफल होना है तो सफल लोगों की भीड़ में हो जाइए शामिल, वो धक्का इधर से उधर लगेगा, आप भी सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा जो है वही प्रयास है, आप जो मेरे साथ रहते हैं सब जानते हैं मेरी स्थिति क्या है। मेरे पास टूटी साइकिल, आपके पास मोटरसाइकिल है और फोर व्हीलर सब व्यवस्था है, फिर भी आप इसमें इतना नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम तो इन लोगों के साथ लगे हुए हैं कि मुझे विश्वास है इनके साथ लगे रहेंगे तो सफल 100% हो जाएंगे। ठीक, तो जो है सफलता जो है बलिदान चाहती है, और सफलता कोई जो है रसगुल्ला नहीं उठाया और खा लिया। जितने लोग सफल हुए हैं उन्होंने जो बहुत बड़ी और कड़ी मेहनत की है तब पाए हैं जा करके। तो जो है संगत ही गुड़ उपजे, संगत ही गुड़ जाए, बांस फांस और नेटवर्क में इतनी बड़ी ताकत है कि जैसे मान के चलिए आज किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, आप उसको पूछ लीजिए उसके घर वालों को, उसने जिस व्यक्ति को 1 लाख तनख्वाह मिल रही है उसने 1 करोड़ रुपया खर्च किया पढ़ाई में, MBBS कराया, फलाने पता नहीं दुनिया कोर्स कराए, और कोई 100% ये भी नहीं कि नौकरी लग भी जाएगी, लेकिन यहाँ पर 1 लाख तनख्वाह अगर आती है, 1 लाख जो कमीशन आता है, इनकम आती है दोस्तों, यहाँ केवल 5 साल देने होते हैं, और पैसा खर्च कितना होता है नाम मात्र के लिए। क्यों? हम कुछ MRP पैदा कर लेते हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा था पौधा कई साल बाद फल देता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर ये भी सिस्टम है, अगर आप चाहो कि हम पौधा लगा तुरंत हमें फायदा होने लगे, और मुझे हुई थी, हो रही है आज भी, क्योंकि हम ज्वाइन हुए और ज्वाइन होने पर मैंने 2 मरीज डॉक्टर साहब को दे दिए, दवा चली गई MRP पे, हमें मिली SP पे, तो हमें फल तो तुरंत ही मिलने लगा। या ये भी व्यवस्था है अगर हम करना चाहें तो। आज जो है केवल हमारे सपोर्ट के लिए हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, केवल कमी मेरी है, हमें जो है अपने जो है मजबूती से कदम रख के और कदम से कदम मिलाए चलना होगा। क्योंकि जो है हम लोग जो है जब तक पैसे के लिए काम करते हैं तब तक हमारी ताकत का रिमोट बॉस के हाथ में होता है, और
जब पैसा मेरे लिए काम करने लगे तो मेरी ताकत का रिमोट मेरे हाथ में होता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैसे से ना खरीदी जाए, ठीक। लेकिन ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम पैसा खरीद सकें? वो ताकत केवल एक नेटवर्क सिस्टम में है। वो ताकत केवल एक नेटवर्क सिस्टम में है, हम पैसे को खरीद सकते हैं। लोगों को ये बहुत अजीब सी बात लग रही होगी कि देखिए आज तक हम लोग सुनते थे तो पैसे सब चीज खरीदी जाती है, लेकिन पैसे खरीदने वाला कौन सी चीज है? दोस्तों मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हमारे विशेषज्ञ लोग, नेटवर्क के जो विशेषज्ञ लोग, एमएलएम के जो विशेषज्ञ लोग हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि पैसे खरीदने के लिए समय है। वो समय सबके पास जो है 24 घंटे हैं, चाहे वो भिखारी हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, सभी के पास 24 घंटे हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों जो है समय बढ़ाने का गणित, जब मैं एमबीए में था सन 2002 से मैं कर रहा हूँ उसको, बल्कि और पहले से, एक ही बात मेरे समझ में आ गई थी कि समय को बढ़ाना है। जिसके पास समय बढ़ गया उसको पैसा से कोई रोक नहीं सकता है अमीर बनने से। तो मैं जो है वही जो है धुन मेरे दिमाग में लगी रही, डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ और मेरे सामने दिमाग आ गया और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर समय बढ़ गया, और समय बढ़ने का एक ही तरीका है कि लोगों को जो है नेटवर्क में जोड़ना, और अगर हम जोड़ पाते, हमारी औकात होती जोड़ने की, तो आज पूरे हिंदुस्तान को रहता नहीं जोड़ने के लिए। हमें केवल अपने विचार उसके सामने रखने होते हैं, हमें कंपनी के जो जानकारी है, प्रोडक्ट की जानकारी है, प्लान की जानकारी है, सामने रखने होते हैं। उसकी समझ में आएगा, जुड़ जाएगा, नहीं समझ कोई बात नहीं, कोई तो बुराई की बात नहीं, कोई बुरा, क्योंकि उसके विचार जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं है। आज नहीं जुड़ा तो कल जब जुड़ना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमारे माध्यम से नहीं आएगा, मेरे भाई के माध्यम से आएगा, चाचा के माध्यम से, ताऊ के माध्यम से आएगा, और हमारे टीम में लोग हैं, कहीं एम टीम जा रहे, कहीं उनके माध्यम से, उसे आना पड़ेगा, मजबूरी होगी, और उस मजबूरी को हमें मजबूती में बदलना होगा। अगर आज हमने दोस्तों अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया और कल जो है उनकी समझ में आ गई यार मंजन बहुत अच्छा है, 1 लाख लोगों ने मंजन शुरू करना कर दिया, बस छोड़ दो बहुत सारे काम, छोड़ दो प्रोडक्ट, छोड़ दो, केवल एक मंजन करना शुरू कर दिया लोगों ने, और जो है 1 लाख लोग आपकी टीम में हो गए, और एक व्यक्ति से आपको जो है महीने में 1 रुपये भी आ गया, कितना हो गया 1 लाख। और जब आपकी टीम में 1 लाख लोग होंगे तो 2 लाख 10 लाख होने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो जो है नेटवर्क सिस्टम की जो ताकत है, उस ताकत के आगे सब ताकतें फेल हैं, सब ज्ञान फेल हैं। आप जो है पढ़ाई खूब करा दो, और कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी लग ही जाएगी, तनख्वाह आ ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपने जो है 5 साल लग के अपने अपलाने के सानिध्य में रह के उनके बताए मार्ग पर चल के अगर काम कर दिया, तो यहाँ 100% है कि आपको जो है 50,000 से लेकर 1 लाख तक का कमीशन आएगा। लेकिन मेहनत तो आप जानते मैं कर दूंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिस्ट पे तो आपकी पे काम होगा, 100% तो आप यूजर, तो आपको बनना पड़ेगा, प्लान तो आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ ये जरूर, जब आप शुरू में होंगे, शुरू में जब ज्वाइन होंगे, तो आपके जो है साथ में कोई ना कोई प्लान दिखाने वाला आपको मिल जाएगा, ठीक, डेमो दिखाने वाला आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, तो जो है आपका सहयोग किया जाएगा बराबर। हाँ ये जरूर है कि आपको भी सीख करके जो है, क्योंकि अब एक ही व्यक्ति होगा, तो अब हमारे डॉक्टर साहब की हम मैं जो है धन्यवाद देना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब हमारी इतनी मेहनत करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जब जो है एमपी से लौट के आते हैं, वहां का जो है दास्तान बताते हैं, तो मैंने तो एक बार कह भी दिया डॉक्टर साहब से, हमको छोड़ो ऐसे भी मत करो। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य को पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो, फैसला मेरा है तो है। अब आज पता नहीं, कल मेरी बात हो रही थी कि मेरे टावा में नहीं, रात को टावा में आए और हम लोगों के साथ रह करके पूरे दिन, शाम को और ही जा गए, पता नहीं कल पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना होगा। आज हम इटावा के लोग इतनी जो है कमजोरी महसूस करते हैं, हम जो है डॉक्टर साहब के बताए रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन कल पछताना होगा। मैंने पहले भी कहा था डॉक्टर साहब का समय मिल भी रहा है, लेकिन कल आने पर फोन से बात हो पाएगी, वो भी
बहुत कम, क्योंकि काम इतना बढ़ रहा है। और आज जो लोग चूक गए वाले दोस्त है, वो कह रहा था, उसने अपनी तरफ से फोन किया कि भैया यार तुमने हमसे कहा था तब से हम जुड़ जाते, 1,000 लोग आपकी टीम में होते, अब हमने अभी कोई बात नहीं, आ जाइए अभी भी जो काम चल रहा है जो है, साल खाने में फिर 1,000 आपके नीचे लोग हो जाएंगे। तो ये जो MLM सिस्टम है ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है। आप लोगों को जो है इसमें जितने आपके मिलने वाले लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो बाहरी हों, चाहे विद्यालय के हों, कहीं के भी हों, उन सब लोगों में जो है जा जाकर प्लान दिखाना है, डेमो दिखाना है। तो जो है आज एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान के चलिए फूलों का हार है, जो फूलों का हार है, अगर मान लीजिए 21 किलो फूलों का जो एक हार बनाया जाए, ठीक है, उसमें बहुत अनेक फूल होंगे, छोटे छोटे फूल, बड़े बड़े फूल। अब मान लीजिए 5-5 किलो के फूलों, 5 फूलों का हार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि छोटे छोटे फूलों से ही बड़ा हार बनता है, और छोटे छोटे कदमों से बड़ी मंजिल तय की जाती है, और छोटे छोटे खरीदारी से बड़ा पैसा आना तय होता है। तो इसलिए हम लोगों को जो है यही काम करना है कि खरीदारी करनी है और लोगों से करवानी है, कोई अलग से काम नहीं करना है। लोग कहते हैं हम जुड़ने वाला काम नहीं, कल हम गए थे वहां अलीपुर खेड़ा, एक डॉक्टर साहब से मिले, बोले साहब जोड़ने वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। हम साहब आप अपनी डॉक्टरी बंद कर दो। बोले क्यों? आप जोड़ने वाला काम कर नहीं पाओगे तो मरीज आपके पास आएगा नहीं, आप जोड़ोगे नहीं उसे। बोले वो क्यों? तो हमने कहा आप झूठ बोल रहे हो बहुत बड़ा। फिर थोड़ी उनसे बात हुई तो बोले ठीक है, हम आपके प्रोडक्ट जो है रखेंगे, यूज करेंगे, फिर आगे बताएंगे। और जो है एक तो मैं बता ही दिया कि जो है अब सभी लोग, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो धार्मिक हों, सभी लोग जो है नेटवर्क के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और आज जितने लोग इसमें ज्वाइन हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर लो, आगे आने वाले समय में लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग आ चुके होंगे। और डॉक्टर साहब बताते हैं कि जो इसका कोर्स शुरू हो गया है, इसका कोर्स शुरू हो गया है कि जो लोग जब कोर्स करके आ जाएंगे फिर वो लोग ज्वाइन होंगे, अदर लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। और स्टोर के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि आगे आने वाले सिक्योरिटी 50,000 होने जा रही है। आज जिन लोगों ने 10,000 सिक्योरिटी दे दी है, वो लोग कुछ लोग ऐसे हमारे मिलने वाले हमारी टीम के लोग हैं, कह रहे साहब हमारी जो सिक्योरिटी वापस करवा दो। कुछ लोग ऐसे हैं, उनसे समझाया तो मान गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं चलने। तो जो है अब जो है समय भी काफी हो चुका है, तो मैं जो है एक बार पुनः जितने लोग जो है इस मीटिंग में ज्वाइन हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से बार बार नंदन बंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय जय MBD, जय स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, जय हिंद। जय जय MBD, और बहुत अच्छे से आपने बातों को रखा और बहुत अच्छी नॉलेज भी दी, बहुत अच्छा लगा। और हर किसी की यही सोच हो कि हम लोगों को करना भी है, सबसे पहले स्वयं को ही 100% यूजर बनाने। अगर हम स्वयं 100% यूजर बन जाएं और सामने वाले को लाएं उसको भी 100% यूजर बनवा दें, तो एक दिन हमारा बहुत जल्द और बहुत बड़ा व्यापार होगा। लोग दूसरे पे तो फोकस करते हैं, अपने आप पर फोकस बनाना भूल जाते हैं, उस पे भी विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले करना क्या है, यूज ही करना है, जब अच्छा लगे तब दूसरे को प्रमोट करना है। तो इसी तरीके धीरे धीरे बड़ा व्यापार होता चला जाता है, और कब बहुत बड़ा हो जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग अपनी एक सोच बना लेते हैं कि एकदम बहुत बड़ा हम करेंगे,
कोई ऐसा जादूगर मिल जाएगा, मंत्र मार देगा और बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। वो हमेशा छोटा छोटा भी अचीवमेंट नहीं ला पाएगा। जिसने ये सोच बना ली कि मैं बहुत बड़ा जब भी स्टार्ट करूंगा बहुत बड़ा करूंगा, और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ कर लाऊंगा जो बहुत बड़ा काम करके चले जाएं, कभी नहीं हो पाएगा। जो लोग कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही सत्यता है। हम लोगों को एक एक व्यक्ति को डेमो दिखा के, फाइल दिखा के, प्रोडक्ट क्वालिटी बता के, और प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता, उसका कारण बिकता है। उसे बताओ क्या क्या पड़ा, इसकी क्या खूबियां हैं। अगर इतना कर लिया तो हम लोग बहुत बड़ा टर्नओवर कर ले जाएंगे, और पूरा बिजनेस टर्नओवर का है। जितना ज्यादा आपके क्षेत्र में टर्नओवर होगा उतना ही ज्यादा आपके क्षेत्र में पैसा भी बैठेगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट रहता है टर्नओवर का ही विशेष ध्यान रखें। लोगों को ज्यादा ज्यादा यूजर बनवाना है, खुद भी 100% यूजर बन। अगर आप ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट जेएमबीडी के यूज करेंगे तभी सामने वाले को उसकी गुणवत्ता को पूर्णतया बता पाएंगे। अगर आपने वी टेंट केयर यूज नहीं किया है और सामने किसी ने अगर पूछ दिया इसका स्वाद कैसा है, आप ना बता पाए, तो वहां पे गलती किसकी होगी। अगर आप उसको 100% यूज किए हैं तो आप पहले ही बता देंगे कि इसके स्वाद पर ना जाना, ये 100% हर्बल है, इसमें कोई स्वाद नहीं, झाग नहीं, लेकिन रिजल्ट है। मुंह में सड़न हो, बदबू आ रही हो, झंझनाहट है, ठंडा गर्म पानी लग रहा है, ब्लड आ रहा है, पस बन रहा है, हल्के फुल्के हिल रहे हैं, तो ये सब समस्याएं सही हो जाएंगी, इसका समाधान है इस पे, तो वो जरूर खरीदारी करेगा उसकी। और ये SLS फ्री है, शुगर फ्री है, सोडियम लॉरिल सल्फेट नहीं है। अगर इस तरीके से एक एक प्रोडक्ट की आप गुणवत्ता बताना चालू करेंगे तो शाम तक कभी भी आप खाली हाथ नहीं आएंगे, 500-1000 रुपए बचाकर ही आएंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2-2, 4-4 हजार डेली बचा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जो डेली बचा के लाते हैं वो पेन कॉपी डायरी पैसों से मेंटेन नहीं करते हैं। अगर आप 2,500-100 रुपए जो भी बचा रहे हैं मंथ में प्रतिदिन, उसको एक डायरी में नोट करिए, वो भी अपनी इनकम में इंक्लूड करिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में छोटा छोटा बिजनेस खड़ा करना पड़ता है, लेकिन 6 महीने 1 साल लोग देखते हैं कि मुझे 1,000 आ रहा 2,000 आ रहा 2,500 आ रहा, उस पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि डेली आप जो प्रोडक्ट सेल करके MRP SP के बीच में जो 20-60% बचा रहे उसको भी जोड़ते रहिए, उसके बाद आप देखिए। अगर आप प्राइवेट कहीं पे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको 15-20 हजार मिल रहा है, और अगर आपने MRP बीच वाला ही जोड़ लिया तो उससे और अधिक हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, हमारी कई बार फील्ड में बात होती है कि मैं 15,000 रुपए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, कहीं सुपरवाइजर हूँ, कुछ भी हूँ, सैलरी पूछता हूँ कितनी, 15,000 रुपए। लेकिन यहाँ पर 15,000 रुपए हो सकता है आप 2 दिन में कमा लें, 1 दिन में कमा लें, और हर किसी के लिए बराबर मौका है। सिर्फ अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, ये अपने आप को सोचना है कि आप 15,000 कमाना है या प्रतिदिन 15,000 कमाने वाला बनना है। अगर काबिलियत बढ़ा ली तो प्रतिदिन आप 15,000 कमा सकते हैं। कुछ लोग सोच बना लेते हैं कि हमें महीने में 15,000 ही कमाने हैं, तो वो पूरे महीने भर दौड़ते हैं, वो अपनी स्किल को डेवलप नहीं करते हैं, मीटिंग से हमेशा कटते रहते हैं। जब सीनियर कोई जानकारी देता है, मीटिंग करता है, बुलाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा इधर उधर रहते हैं, समय पर नहीं आते हैं। उसमें किसी के सीनियर की कोई गलती नहीं, और ना सीनियर का कभी अपमान है कि आप नहीं आए, लेकिन आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। के लिए सभी लोगों, आप लगातार जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जिन साथियों ने अपनी अपनी बात को रखा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो हमारी GMBD प्रोडक्ट जो यूज करवाया उसका फीडबैक आया है, और जिस प्रकार डॉक्टर जयसिंह जी ने बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। काम बढ़ाया जाएगा वहां पर, और बहुत बड़ी प्लानिंग भी आपके साथ मैं कर रहा हूँ। और तेसरा सर को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा, और आप अच्छे से लोगों को गाइड भी करते हैं, और प्रतिदिन आप जो निकलते हैं फील्ड पर, ये बहुत अच्छा लगता है। और प्रतिदिन आप एक से दो लोगों को प्लान भी दिखाते हैं, प्रतिदिन एक से दो नए लोगों को मिलते हैं। देखना, यही छोटा छोटा जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़े गोल में आपका बदल जाएगा। तो साथियों, समय हो चुका है और हमारा यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं काम कर रहा है, तो आज की मीटिंग का यहीं पर समापन करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई बीमारी की जानकारी देने के लिए उपस्थित रहेंगे समय पर। और वैसे तो हम लोगों की प्रतिदिन हजारों लोगों से बात होती रहती है बराबर कॉलिंग पे, और आप लोगों का सहयोग करते रहते हैं, और बराबर कई लोगों का फोन उठ भी नहीं पाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं भी एक डॉक्टर हूं, बट GMBD में एक नेटवर्कर हूं, तो हमेशा फील्ड पर ही रहना होता है, नए लोगों को जानकारियां देनी रहती हैं। बहुत सारे पेशेंट रहते हैं प्रतिदिन, उनको भी देखना रहता है। अगर किसी का फोन नहीं उठ पा रहा है, लेकिन बाद में मैं कॉल करता हूँ, तो उसमें परेशान या हताश ना हो, क्योंकि समय कम रहता है लेकिन काम उसमें ज्यादा निकालना रहता है, इसलिए आप लोगों का कभी कभी फोन नहीं उठ पाता है। तो साथियों, मीटिंग का समापन करते हैं। अगले दिन नए उत्साह के साथ, नए जुनून के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय MBD, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।